चलिए प्यारे छात्रों, चलिए हम लोग केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में, पिछले वीडियोज में हम लोग केमिस्ट्री की क्लास में पूरा न्यूमेरिकल्स कर रहे थे और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड था कोटिकीय अभिक्रिया से, शून्य कोटिकीय अभिक्रिया, प्रथम कोटिकीय अभिक्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पिछले दिन किए थे। और उन छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व किया। और जिन छात्रों को प्रॉब्लम हुआ है, प्लीज ग्रुप में जो सेंड किए गए सही आंसर से आप उनका हेल्प ले सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे, वो केमिस्ट्री जो पढ़ रहे थे उसका अगर हम लोग बात करें तो तीन पार्ट था। पहला फिजिकल, फिर ऑर्गेनिक, फिर इनऑर्गेनिक। अब हम लोग अगर बात करें तो अभी हम लोग फिजिकल चल रहे थे, यानी कि तीन पार्ट होता है केमिस्ट्री का, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में टोटल प्यारे छात्रों पांच चैप्टर था, 1, 2, 3, 4, 5। अब इसमें हम लोग चार चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला में पढ़े ये सब के बारे में, ब्रेवस जालकों के बारे में, यानी कि ठोस अवस्था। दूसरा चैप्टर था बिलियन, और तीसरा था वैद्युत रसायन, और चौथा जो अभी अभी हम लोग पढ़ रहे थे ऑनलाइन क्लास में, रासायनिक गतिकी पढ़ रहे थे। चलिए आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन के बारे में, पृष्ठीय रसायन। अब पृष्ठीय रसायन क्या है, यह फिजिकल का पांचवा चैप्टर है, लास्ट है। अगर हम लोग ये चैप्टर को एंड कर लेंगे तो पूरा फिजिकल यानी कि भौतिकी रसायन का जो एक पार्ट है केमिस्ट्री का, वो हम लोग का खत्म हो जाएगा। फिर दो पार्ट्स बच जाएगा, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चीजें नोट नहीं करना है, हम आपको ऐसे ही बता रहे थे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिकल केमिस्ट्री का पांचवा चैप्टर जिसका नाम है पृष्ठीय रसायन, पृष्ठीय रसायन, ये चैप्टर का नाम है पृष्ठीय रसायन। अब चलिए, अब पृष्ठीय रसायन क्या है, इसमें क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या क्या है इसमें और क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पृष्ठीय रसायन में सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो इसके बारे में पढ़ेंगे कि पृष्ठीय रसायन क्या है, इसमें क्या क्या बात को सीखेंगे। तो चलिए इसके बारे में, इस चैप्टर में क्या पढ़ने को मिलेगा, तो सबसे पहले एरो देंगे, लिखेंगे इस अध्याय में मतलब इस चैप्टर में, इस अध्याय में द्रव के पृष्ठ पर वाले अणु, द्रव के पृष्ठ माने सतह, द्रव के पृष्ठ पर वाले अणु में एक अवशिष्ट बल कार्यशील होते हैं, में एक अवशिष्ट, अपशिष्ट नहीं, अवशिष्ट, अवशिष्ट बल कार्यशील रहते हैं, अवशिष्ट बल कार्यशील रहते हैं। इसी बल का अध्ययन किया जाता है, इसी बल का अध्ययन किया जाता है। चलिए तो सबसे पहले पृष्ठीय रसायन का मतलब क्या है, पृष्ठ का मतलब सतह, पृष्ठ का मतलब बिल्कुल सतह, जैसे बोर्ड का ये पृष्ठ हुआ, सतह हुआ। अब कुछ ऐसा केमिकल है, रसायन है, जो किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर चिपकने का काम करता है, यानी कि बहुत ऐसा कुछ केमिकल है जो किसी भी वस्तु के पृष्ठ पर जाकर चिपक जाता है। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे, और वो कौन सा बल के कारण होता है, तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों, अवशिष्ट बल। जैसा कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं कि कोई भी
पदार्थ को जब आप धरती से ऊपर फेंकते हैं और फिर वापस आ जाता है किस बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। वैसे ही पृष्ठीय रसायन में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अवशिष्ट बल के कारण, यानी वो बल का नाम है क्या? अवशिष्ट बल। इसी बल के कारण कोई भी केमिकल किसी भी वस्तु के ऊपर चिपक सकता है। जैसे कि प्यारे छात्रों, आप अलग अलग तरह का पेंट करते हैं, पेंट बोले तो केमिकल, रसायन, पेंट जो होता है वो एक तरह का केमिकल होता है, राइट। तो अब उस पेंट को अलग अलग बॉडीज पे हम लोग पेंट करते हैं, यानी कि उसके सतह पे चिपकता है। हम लोग जैसे कि कार का पेंट करते हैं, बाइक का पेंट होता है, दीवार का पेंट होता है घरों में, तो अलग अलग तरह का जो केमिकल्स है, आपको पता होना चाहिए कि चूना से जो पुताई करते हैं ना, चूना क्या है? केमिकल है। तो मेरा कहने का मतलब कि बहुत सारा ऐसा केमिकल है जिसको हम लोग किस रूप में यूज करते हैं? पृष्ठ के रूप में यूज करते हैं, उसके ऊपर वाले सतह को चिपकाने में कार्य करते हैं वो बल। किसके कारण? अवशिष्ट के कारण। चलिए अब इसका सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक्स, इंपोर्टेंट बात जो सवाल में आता है, बहुत इंपोर्टेंट है, तो अब हम लोग टॉपिक इसके बाद लिखेंगे, अधिशोषण। अधिशोषण, अधिशोषण, और ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर सवाल में पूछता है कि अधिशोषण किसे कहते हैं, अधिशोषण क्या है। तो चलिए अधिशोषण के बारे में लिखेंगे, अधिशोषण के बारे में लिखेंगे, जब ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव, जब ठोस पदार्थ के संपर्क में आने वाले द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ की ओर आकर्षित होकर उससे चिपक जाते हैं वह घटना अधिशोषण कहलाता है। वह घटना अधिशोषण कहलाता है। सेकेंड डाल देंगे, समझाते हैं सब बात। फर्स्ट में लिखे, सेकेंड में लिखे, ठोस पदार्थ कॉमा जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, ठोस पदार्थ जिसके पृष्ठ पर अधिशोषण होता है, वह अधिशोषक कहलाता है। अधिशोषक कहलाता है। अब उसके नीचे कुछ एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर पहला में लिखेगी एग्जाम्पल, चारकोल के पृष्ठ पर एसिटिक अम्ल का अधिशोषण हो जाना। चारकोल के पृष्ठ पर एसिटिक अम्ल का अधिशोषण हो जाना। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, ये तो फर्स्ट था, फर्स्ट में क्या लिखे, चारकोल के पृष्ठ पर एसिटिक अम्ल का अधिशोषण हो जाना। दूसरा लिखेंगे एग्जाम्पल, सिलिका जेल
जलवाष्प को सिलिका जल जलवाष्प को अधिशोषण कर लेता है। सिलिका जल जलवाष्प को अधिशोषण कर लेता है। चलिए ठीक है, अब अधिशोषण को हम लोग सबसे पहले समझते हैं, फिर समझेंगे अवशोषण के बारे में। एक और टॉपिक्स होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है अवशोषण। तो सबसे पहले अधिशोषण क्या है प्यारे छात्रों? अधिशोषण उसको कहते हैं जब कोई केमिकल ठोस पदार्थ के ऊपर उसके सतह पर आकर चिपक जाता है आकर्षण बल द्वारा, यानी कि आकर्षण बल के द्वारा। जब हम लोग पेंट करते हैं ना, अक्सर देखिएगा बाइक वगैरह को जब पेंट किया जाता है तो ज्यादा चिकना क्यों होता है? वो इसलिए कि ज्यादा प्रेशर से उसको आकर्षित करके उसको ज्यादा बल दिया गया। प्रेशर ज्यादा होगा तो बल ऑटोमेटिक ज्यादा होगा, क्योंकि दाब अगर ज्यादा अगर किसी भी चीज को दबाते हैं तो उसमें आपको ज्यादा बल की जरूरत पड़ता है। तो अगर हाई प्रेशर से अगर दिया हुआ रहता है तो इसीलिए ज्यादा टिकाऊ भी होता है, क्योंकि ज्यादा वो बल से जुड़ गया है तो जल्दी वो पेंट नहीं छोड़ता है। और हम लोग को लगता है कि वो ज्यादा चिकना है तो मशीन से है, ऐसा नहीं है। आप कुछ से भी करें अगर ज्यादा प्रेशर से उसको देंगे पेंट को उसके सतह पे, इसीलिए वहां प्रेशर देने वाली एक मशीन होती है पेंट पे, उसके जैसे हम लोग गाड़ी को धोने के लिए एक उतना प्रेशर का चाहिए ना, उसी तरीके से पेंट को चिपकाने के लिए उतना प्रेशर दिया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब अधिशोषण से आप क्या समझते हैं? वह केमिकल वह रसायन जो किसी भी ठोस पदार्थ के ऊपर आकर चिपक जाता है, ओनली चिपक जाता है। जैसे मान लिया कि मेरा ये बॉडी है, ये हाथ है, इसके ऊपर रेड पेंट चढ़ाएंगे, रेड पेंट या व्हाइट पेंट जो कुछ भी पेंट है, और जब हम हाथ को काटेंगे तो क्या वो रेड पेंट अंदर भी दिखेगा? नहीं ना। जैसे मान लिया कि यही बोर्ड है, हम इतना दूर इसको पुताई कर दिए, अब पुताई कर दिए तो इसके ऊपर चिपका हुआ है ना, न कि अंदर तक ये चला गया। सिवाय अगर जब इसको काटेंगे तो ब्लू वाला जो कलर है अंदर नहीं दिखेगा, यानी कि अधिशोषण वह प्रक्रिया है जो किसी भी ठोस पदार्थ के सतह पर होता है, सिर्फ सतह पर चिपक जाता है, वो अधिशोषण कहलाता है। अब जरा बात करते हैं, एक तरफ ये लोहा का खिड़की है, एक लोहे का रॉड का बना हुआ खिड़की है। अब इस खिड़की को हम लोग पेंट कर रहे हैं, तो रॉड को पेंट कर रहे हैं, मतलब ऐसे 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 करके चारों तरफ से पेंट कर दिया, और पेंट कर रहे हैं तो ये क्रिया कहलाएगा अधिशोषण। लेकिन जिस पर पेंट कर रहे हैं हम लोग, तो लोहे को रॉड को पेंट कर रहे हैं, तो ये कहलाएगा अधिशोषक। यानी कि प्यारे छात्रों दोनों में अंतर है। अधिशोषण का मतलब क्या? अगर कोई केमिकल जिसको हम लोग चिपकाते हैं वो हो गया अधिशोषण, वह घटना अधिशोषण कहलाता है। लेकिन अधिशोषक का मतलब जिस भी वस्तु पर पेंट कर रहे हैं, अपना हाथ पे अगर पेंट कर रहे हैं तो हाथ हो गया अधिशोषक, और जो पेंट हो गया वो हो गया अधिशोषण, यानी खुद उसको चिपकाया जा रहा है। यानी कि जिस पर पेंट किया जाता है, जिस वस्तु पर पेंट किया जाता है वो कहलाता है अधिशोषक, राइट? चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो। अच्छा, कुछ एग्जांपल है, जैसे कि चारकोल जो होता है एसिटिक अम्ल का अधिशोषण करता है, यानी कि चारकोल जो होता है, चारकोल पे एसिटिक अम्ल जो है एक चिपक जाता है। जैसे चारकोल रखिए और एसिटिक अम्ल को उसके साथ कॉन्टेक्ट कराइए तो वो उसके सतह पर सिर्फ चिपक जाता है चारों तरफ। या फिर बोले तो सिलिका जेल जो है जलवाष्प को अधिशोषण कर लेता है, यानी कि जो घरों में खाना बनता है तो जल से जो वाष्प बनता है उस वाष्प को अधिशोषण कर लेता है कौन? सिलिका जेल। सिलिका जेल जो है जो भी जलवाष्प होता है, यानी जो बोलते हैं ये ओला नहीं गिरता है ठंडी के दिनों में, वैसे ही अपने ऊपर का एक कवरिंग कर लेता है, चारों तरफ से ढक लेता है, यानी कि वहां भी अधिशोषण कर लेता है। तो कुल मिलाकर अधिशोषण का प्यारे छात्रों ये मतलब होता है कि कोई भी द्रव, कोई भी लिक्विड, कोई भी केमिकल
अगर किसी वस्तु पे आकर चिपकता है, उसके सतह पे आकर, तो वो कहलाता है अधिशोषण। और जिस वस्तु, वह वस्तु ऐसा जो काम कर रहा है, जैसे मान लिया कि एक बॉल है, चारों तरफ का गोला है, लोहा का और गोला है, और उसपे हम लोग रेड तरफ से पेंट करते हैं, तो वो गोला हो गया अधिशोषक और अधिशोषण हो गया वो पेंट। तो ये है अधिशोषण। अब जरा इसको फिगर से हम लोग कुछ समझने का प्रयास करते हैं। तो अधिशोषण का फिगर भी बनाएंगे हम लोग, कि अधिशोषण का फिगर कैसा बनता है। तो माना जा रहा है प्यारे छात्रों कि एक वस्तु है, ये क्या है, एक वस्तु, अब कोई भी वस्तु ले सकते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अधिशोषक का काम कर रहा है, अधिशोषक का काम कर रहा है। अब चारों तरफ ये एक बॉक्स है, समझने के लिए बना रहे हैं, सिर्फ एक वस्तु रखा हुआ है और वो वस्तु कैसा काम कर रहा है, अधिशोषक का काम कर रहा है। और चारों तरफ ये पेंट है, चारों तरफ ये जो डॉट डॉट है ना, ये एक अधिशोषण की क्रिया हो रही है, चारों तरफ से पेंट है। तो आप क्या पाएंगे कि जैसे ही वस्तु पेंट के संपर्क में आएगा तो उसके बॉडी पे ज्यादा मात्रा में आकर्षित होंगे, चिपक गए हैं यहां पे, उसके सिर्फ सतह पे ही चिपके हैं, इसीलिए यहां पे ज्यादा पेंट नजर आ रहा है। देख पा रहे हैं, यहां पे पता चल रहा है कि एक वस्तु है जो अधिशोषक का काम कर रहा है, इस पे इसके सतह पर चारों तरफ देख पा रहे हैं ज्यादा पेंट चिपका हुआ है, तब हम इसको बोलेंगे यहां कौन सी क्रिया हो रही है, तो अधिशोषण की क्रिया हो रही है। तो इस फिगर को बना लेंगे और लिख लेंगे अधिशोषण। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था अधिशोषण के बारे में। चलिए अब हम लोग लिखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक अवशोषण। देखिए एक होता है अधिशोषण और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं अवशोषण, ये भी वीवीआई पॉइंट है। अक्सर पूछता है अधिशोषण और अवशोषण के बारे में बताइए, दोनों का डेफिनेशन कीजिए, परिभाषित कीजिए। तो अवशोषण का फर्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे अवशोषण के फर्स्ट एरो में, अवशोषण भी अधिशोषण की ही तरह की क्रिया है, अवशोषण भी अधिशोषण की तरह ही क्रिया है, किंतु इसमें द्रव या गैस के अणु, किंतु इसमें द्रव या गैस के अणु ठोस पदार्थ के पृष्ठ पर ही चिपके नहीं रहते हैं, पृष्ठ पर ही चिपके नहीं रहते हैं, बल्कि वे ठोस पिंड के अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं, अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। पूर्ण विराम, इसे अवशोषण कहा जाता है, इसे अवशोषण कहा जाता है। फिर सेकेंड एरो लिखिएगा, सेकेंड एरो अवशोषण का सेकेंड एरो, ठोस पदार्थ कॉमा जिसके पृष्ठ पर अवशोषण होता है, जिसके पृष्ठ पर अवशोषण होता है, कॉमा अवशोषक कहलाता है, अवशोषक यानी कि न के जगह पे क, अवशोषक कहलाता है। अब इसका जरा एग्जाम्पल कुछ कर लेते हैं, एग्जाम्पल में लिखिएगा, एग्जाम्पल
एक ही एग्जाम्पल है, तो इसमें नंबर वन नंबर टू नहीं देंगे, एग्जाम्पल में लिखेंगे जब अमोनिया गैस, जब अमोनिया गैस कली चूना से होकर प्रवाहित की जाती है तो, जब अमोनिया गैस कली चूना से होकर प्रवाहित की जाती है तो अमोनिया गैस कली चूना में, अमोनिया गैस कली चूना में अवशोषित हो जाती है, अमोनिया गैस कली चूना में अवशोषित हो जाती है। चलिए अब जरा समझते हैं अवशोषण के बारे में प्यारे छात्रों, कि अवशोषण क्या होता है, अवशोषण का मतलब क्या होता है। तो जरा देखिए, अधिशोषण का मतलब प्यारे छात्रों क्या होता है, कि जब कोई भी अगर वस्तु है, अगर उस पे अगर पेंट किया जाए तो उसके सतह पर चिपक जाते हैं पेंट, वो तो अवशोषण हो गया, सॉरी अधिशोषण हो गया। लेकिन अवशोषण का मतलब ये बताया जा रहा है कि यहां पे कोई वस्तु है और उसके ऊपर आप पेंट कर रहे हैं, तो जब आप पेंट कर रहे होते हैं तो यहां पे तो सतह पर तो चिपकता ही है लेकिन उसके अंदर आ जाता है, यानी कि कोई भी वस्तु के अंदर तक अगर पेंट आ जाए वो हो गया अवशोषण, और उसके सतह पर तक ही पेंट रहे वो हो गया अधिशोषण। अब इसका जरा एग्जाम्पल करते हैं, जैसे मान लिया कि वो गद्दा वाला जो चेयर पे सीट लगा रहता है, गद्दा वाला, अब उस गद्दे पे आप क्या करेंगे, रेड कलर से चाहे कोई भी कलर से पेंट करेंगे, तो आपको क्या होगा, वो रीसेगा, वो गद्दा जो है उस पेंट को रीस रीस के अपने पूरे बॉडीज में फैला लेगा। यूं बोले तो इसमें जो इंक के आगे वाला देख पा रहे होंगे, हम लोग इंक डालते हैं, वो इंक क्या है, एक तरह का पेंट का काम कर रहा है, और वो धीरे धीरे रिस रिस के आगे तक ले आता है और उसको फिर हम लोग लिखने के काम आते हैं। तो ये भी क्या है, अधिशोषण नहीं है, अवशोषण है, क्योंकि जब इसमें पेंट डालते हैं तो वो क्या करता है, अब्जॉर्ब कर लेता है पूरा वस्तु, उसका रंग आ जाता है, समझ आ रहा है। यानी कि यहां पर अगर हम किसी पार्ट को काटेंगे ना तो अंदर तक भी ब्लू ही कलर का वो मिलेगा। जैसे मान लिया ये दीवार है और इस दीवार पे अगर कली चूना से आप व्हाइट चूना से पोतते हैं, पुताई करते हैं और फिर दीवार को तोड़ते हैं, तो क्या वो उजला चूना अंदर भी दिखता है, नहीं। लेकिन अगर मान लिया कि वो गद्दा है और गद्दा पे कोई पेंट चढ़ाते हैं, ठीक है, तो वो पेंट चढ़ाते हैं तो वो अंदर तक प्रवेश कर लेता है, वही क्रिया कहलाता है अवशोषण। प्यारे छात्रों यही तो अंतर होता है और यही समझने में लोगों को प्रॉब्लम होता है कि सर कहां बोलेंगे अधिशोषण और कहां बोलेंगे अवशोषण। तो ध्यान से एक बार और लास्ट बार सुन लीजिए, अधिशोषण का मतलब होता है उसके पृष्ठ पर चिपकना और अवशोषण का मतलब होता है उसके अंदर तक अवशोषित हो जाना, पेंट जो है अंदर तक चला जाता है वो कहलाता है अवशोषण। जरा इसका फिगर देखते हैं और इसमें बात वही है, अवशोषण किसको कहते हैं, तो मान लिया कि एक वस्तु है और एक वस्तु है जो काम कर रहा है अवशोषक का काम कर रहा है, तो ये अवशोषक इसको कब बोलेंगे, जब वह वस्तु जब किसी भी पेंट को, किसी भी द्रव या गैस को अपने अंदर तक प्रवेश कर लिया जाए। जैसे मान लिया कि ये सब सारा क्या पेंट है चारों तरफ ऐसा माना जा रहा है और बीच में एक वस्तु है, वो वस्तु कैसा था, तो अवशोषक था, तो क्या किया, पृष्ठ पर तो जा था ही, यानी कि उसके सतह पर तो चिपकेगा ही, लेकिन उसके साथ साथ हमको ये देखने को मिल रहा है कि उसके अंदर भी पेंट जो है घुसा हुआ है, उसके अंदर भी पेंट चला गया है, तो आप इस फिगर को बोलेंगे कि ये क्या हो रहा है, तो ये अवशोषण हो रहा है। तो प्यारे छात्रों आज हम लोग डिस्कस किए कि अवशोषण क्या है, वहां वाला फिगर में यहाँ पे ब्लैंक्स था, खाली था, क्यों, क्योंकि सतह पर ही भरा हुआ था, अंदर पेंट नहीं घुसा था, लेकिन इसमें अंदर भी पेंट रिस गया है, अंदर पेंट चला गया है, जिसको अवशोषक बोल रहे हैं, वो सतह को अवशोषक बोल रहे हैं और ये क्रिया हो रही है अवशोषण की। तो आज हम लोग डिस्कस किए अधिशोषण और अवशोषण, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
सवाल आता है कि अधिशोषण और अवशोषण में अंतर बताइए, इसका डेफिनेशन लिखिए, परिभाषित कीजिए, तो सवाल इससे बहुत बढ़िया आते हैं। तो आज तक की क्लास को नए चैप्टर में यहीं तक एंड करते हैं। अब मिलते हैं अगले क्लास अगले वीडियोज में। धन्यवाद।